हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कार्डबोर्ड से नथिंग फोन 1 बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले वीडियो में बताए गए बॉक्स से मैंने बैक साइड बनाने के लिए एक वाइट पेपर का टुकड़ा काट लिया है, जिसपे मैंने फोन की साइज के हिसाब से लाइनें ड्रॉ कर दी है। वो लाइन्स को सीजर से कट कर देना है। कट करने बाद फोन का शेप जैसा हमें एक टुकड़ा मिल जाएगा, जिसके चारों साइड्स को राउंड करने के लिए मैं फेविकोल का ढक्कन का यूज कर रहा हूँ। चारों कॉर्नर्स पे आपको राउंड शेप बना देना है। चारों कॉर्नर्स पे राउंड शेप बनाने के बाद उसे कट कर लेना है। राउंड्स कट करने के बाद तो फाइनली हमें फोन का बैक साइड का एक शेप मिल गया। नथिंग फोन में बैक साइड वाले पार्ट बनाने के लिए मैं एक वाइट पेपर का टुकड़ा ले रहा हूँ, जिसको शाइनी लुक देने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टेप का यूज कर रहा हूँ। टेप चिपकाने के बाद वाइट पेपर हमें कुछ शाइनी लुक दे रहा है, जिसको मैंने फोन की बैक साइड की तरह ही कट कर लिया है। अभी आपको साइड में दिए गए फोटो के हिसाब से वाइट पेपर पे पार्ट ड्रॉ करने हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दो। तो फोटो के हिसाब से मैंने सभी पार्ट्स को व्हाइट पेपर पे ड्रॉ कर दिया है। आपको सेम इसी तरह सभी पार्ट्स को ड्रॉ कर देना है। पार्ट्स को आपको सीजर से कट कर लेना है। एक एक करके सभी पार्ट्स आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद नथिंग फोन के बैक साइड के हमें सभी पार्ट्स मिल जाएंगे, जिसे मैं एक एक करके फोन की बैक साइड पे ग्लू से चिपका दूंगा। सभी पार्ट्स को आपको साइड में दिए गए फोटो के हिसाब से चिपकाना है। अगर आप पार्ट्स को सही तरीके से नहीं लगाओगे तो आपका बैक साइड रियलिस्टिक जैसा नहीं दिखाई देगा। सभी पार्ट्स को मैंने एक साथ मर्ज कर दिया है, जिससे आपको नथिंग फोन का एक लुक मिल रहा है। बैक साइड के पीछे आपको एक कार्डबोर्ड लगा देना है, जिससे बैक साइड मुड़ के खराब ना हो। बैक साइड को और रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं सिल्वर पेपर से छोटे छोटे सर्कल काटे हैं, जिससे मैंने पार्ट्स के नट्स बनाए। अब बनाएंगे कैमरा। कैमरा बनाने के लिए आपको एक वाइट पेपर पे ब्लैक टेप चिपका देना है, जिसपे आपको कैमरे के साइज के हिसाब से दो सर्कल ड्रॉ कर देने हैं। कैमरा सर्कल काटने के बाद उसे रियलिस्टिक लुक देने के लिए नीचे की साइड एक सिल्वर पेपर चिपका देना है। आप कोई भी सिल्वर पेपर का यूज कर सकते हो। फिर आपको सिल्वर पेपर को बॉर्डर के हिसाब से काटना है, जिससे ब्लैक सर्कल के नीचे एक सिल्वर पेपर की बॉर्डर दिखाई दे। वैसे मैंने दोनों कैमरास के नीचे सिल्वर बॉर्डर बना दी है। दोनों कैमरास को फोन की बैक साइड में ग्लू से चिपका देना है। तो फाइनली मैंने कैमरास को बैक साइड में चिपका दिया है। कैमरे के बाद फ्लैशलाइट बनाने के लिए मैंने एक गोल्डन पेपर से चौरस टुकड़ा कट कर लिया है, जिसे कैमरे के बाजू में चिपका देना है। वैसे ही मैंने कैमरा लेंस बनाने के लिए वाइट पेपर से दो सर्कल के टुकड़े कट किए हैं, जिसे आपको ब्लैक सर्कल के सेंटर में चिपका देना है। चिपकाने के बाद दोनों कैमरा लेंस को रियलिस्टिक लुक देने के लिए ब्लू मार्कर से डार्क ब्लू कर देना है। अब बनाएंगे लोगो। लोगो बनाने के लिए मैंने व्हाइट पेपर का एक टुकड़ा लिया है, जिस पे लोगो ड्रॉ करने के लिए मैं ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। रियल लोगो बनाने के लिए मार्कर से डॉट डॉट करके आपको लोगो ड्रॉ करना है। लोगो ड्रॉ होने के बाद उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद लोगो को बैक साइड में चिपका देना है।
चिपकाने के बाद फाइनली हमारी फ़ोन की बैक साइड तैयार है। फ़ोन की थिकनेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ़ोन की साइज के हिसाब से 3 चौरस काट लिए है। वो डिपेंड करता है आपके कार्डबोर्ड के थिकनेस पे। तीनों को एक साथ चिपका देना है। चिपकाते ही फ़ोन की बॉडी तैयार है। वैसे फ्रंट साइड बनाने के लिए मैंने फ़ोन की साइज के हिसाब से एक चौरस टुकड़ा कट कर लिया है। फ्रंट साइड को एक रियल लुक देने के लिए चारों साइड्स में ब्लैक टेप चिपका देना है। चिपकाने के बाद चारों कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। ऐसे चारों साइड्स में आपको ब्लैक टेप चिपका देना है। अब बनाएंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए मैंने एक वाइट पेपर का टुकड़ा कट कर लिया है और वॉलपेपर ड्रॉ करने के लिए मैं ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। ब्लैक मार्कर से आपको एक सिंपल वॉलपेपर ड्रॉ करना है। आप कोई भी वॉलपेपर ड्रॉ कर सकते हो या पेंटिंग कर सकते हो। ड्रॉ करने के बाद वाइट पेपर को मैंने डिस्प्ले की साइज के हिसाब से कट कर लिया है। फ्रंट साइड बनने के बाद कार्डबोर्ड पे फ्रंट साइड को चिपका देना है। फ्रंट साइड तैयार होने के बाद ब्लैक पेपर के एक छोटे सर्कल से मैंने फ्रंट कैमरा बनाया है। फ्रंट कैमरा लेंस को भी आपको मार्कर से ब्लू कर देना है। अब बनाएंगे फ़ोन की साइड। फ़ोन की साइड एक मेटालिक लुक देने के लिए मैं सिल्वर पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। थिकनेस के हिसाब से मैंने 4 पट्टियाँ कट कर ली है। सभी पट्टियों को स्टेप बाय स्टेप फ़ोन की साइड में चिपका देना है। आपके पास सिल्वर पेपर ना हो तो आप फॉइल पेपर का भी यूज़ करके एक रियलिस्टिक फ्रेम बना सकते हो। सिल्वर पेपर से फ़ोन की फ्रेम बनी है तो सिल्वर पेपर से मैंने साइड के बटन्स बनाए हैं। तो फाइनली एक रियलिस्टिक नथिंग फ़ोन तैयार। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।